देखिए जी, हमारा तो हमेशा से ये ख्याल था, ये आज की बात नहीं है, पिछले 5-7 साल से अगर पुराने भी इंटरव्यू देखें आप इमरान खान साहब के, तो वो उस वक्त भी कह रहे थे कि ओपन बैलेट होना चाहिए। बल्कि एक ज़माने में मुझे याद है कि जब नून लीग ने ऐलान किया था कि ओपन बैलेट होगा, तो उसमें इमरान खान साहब ने बावजूद इसके कि हम उनकी शदीद मुखालफत कर रहे थे, इसका खैर मकदम किया था। तो ये हमारा पुराना स्टैंड है। उस सिलसिले में अक्टूबर में ये बिल भी मूव हुआ था, ये अभी बिल मूव नहीं हुआ, अक्टूबर में मूव हुआ था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जो जो रेफरेंस दायर की गई, वो एक्चुअली उसको समझने की ज़रूरत है। वो ये नहीं है कि आप कह दें कि जी ओपन बैलेट होगा। सुप्रीम कोर्ट को तो ये कहा गया है कि हमें एडवाइज़ किया जाए कि कानून में तब्दीली से ये मुमकिन है या आईन में तब्दीली ज़रूरी है। तो यानी कि एक लीगल क्वेश्चन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई है। और क्योंकि शेड्यूल आने वाला था और शेड्यूल के बाद तब्दीलियां जो हैं वो मुनासिब नहीं होती, तो इसलिए हमने उसको ऑर्डिनेंस के जरिए पहले कर दिया। लेकिन वो उसकी शर्त ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी तो वो कायम रहेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त ना दी तो वो खुद बखुद ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो है जहाँ तक कवानीन और इन चीज़ों का ताल्लुक है। बाकी अगले एक आधे दिन में कैंडिडेट्स अनाउंस हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा कि शफाफ तरीके से वोटिंग हो, ताकि पाकिस्तान की जमहूरियत पे कोई धब्बा ना लगे करप्शन का और हॉर्स ट्रेडिंग का। शफकत महमूद साहब, आपके ये नॉलेज में होगा कि ओपोजिशन की तीनों बड़ी जमातें, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप, PMLN और PPP, उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का सुप्रीम कोर्ट में जो आपने दायर किया है उसका हिस्सा या तो बन चुकी हैं या बनने जा रही हैं, वो उसका रास्ता रोकना चाहती हैं। ज़ाहिर है जब उनके वकला वहाँ पर अपना पूरा जोर लगाएंगे, दलाइल देंगे, तो आपको जिस किस्म का आप तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना माइंड एक्सरसाइज कर सके कि कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन होने हैं आर्टिकल 226 के तहत या फिर इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। देखें, मैं तो ये इस चीज़ के बारे में कोई राय नहीं दे सकता कि सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसला करना है और कानून जो है उसके लिए तो कोई पब्लिक ओपिनियन या कोई 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 जत्था लोगों का या बाकी, वो तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सिर्फ कानून को देख के और कानून के हिसाब से करना है। तो बेशक सारे पार्टीज बन जाए, अच्छी बात है, सारे पार्टी बने ताकि एक फैसला हो सके। और फैसला मेरा ख्याल है कि सिर्फ इस इशू पे है कि क्या आईनी तरमीम की जरूरत है या एक्ट की जरूरत है, एक्ट में तरमीम की जरूरत है। तो वो एक बिल हमने ऑलरेडी पेश कर दिया है और अभी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पता लग जाए। ठीक है, अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब, ये जो खबर हमें आई है, जो छप चुकी है कि नवाज शरीफ साहब के साथ फ़ोन पे बात की मौलाना फजल रहमान ने, एक बाहमी मुश्तरक स्ट्रेटजी की सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, दूसरी तरफ से ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कोई मुश्तरक स्ट्रेटजी है, क्या आप हमें बताएंगे? क्या सिर्फ मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब में स्ट्रेटजी है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी आपका कोई बाहमी इश्तराक है? जी, पीपल्स पार्टी के साथ भी हमारा कोऑपरेशन है और इसका फैसला 4 फरवरी को जो PDM का सरबराही इजलास था उसमें हो चुका है। तो मौलाना ने आज मियां नवाज शरीफ से भी बात की है और मौलाना ने जरदारी साहब से भी गुफ्तगू की है और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का यहाँ जितने भी पंजाब में उनके वोट हैं उस वो भी PDM के मुश्तरका उम्मीदवारों को मिलेंगे और इस तरह हर सूबे में और मरकज में भी खास तौर पे जहाँ ऑपोजिशन की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, हम मिलकर एक ही कैंडिडेट को इंशाल्लाह वोट देंगे। खुर्रम साहब, ये सवाल अब तो हो बहुत पुराना गया है, बिकॉज पिछले पूरे हफ्ते दस्तन से यही बहस हो रही है और ऑपोजिशन की जमातें कुछ इसका ठीक तरह से समझा भी नहीं पा रही कि क्या वजह है कि, और आपसे भी कई दफ़ा ये सवाल पहले पूछा जा चुका है, मुझे पूरा शक है कि कम से कम एक दर्जन से ज़्यादा दफ़ा आप इसको एक्सप्लेन भी कर चुके होंगे कि जब आपकी जमातें खुद भी बारहा ये कह चुकी हैं कि हम सेनेट के इलेक्शन में शफाफियत चाहते हैं, शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इसका रास्ता रोकना है, इस मौके पर जब हुकूमत जो है वो रेफरेंस भी ला चुकी है, बिल भी ला चुकी है, ऑर्डिनेंस भी ला चुकी है, आप इसके रास्ते में क्यों रुकावट बने हुए हैं, क्या वजह है? जी, पहली बात तो ये कि अगर अक्टूबर में इसको दाखिल किया गया था तो फिर हुकूमत 3 महीने कौमी असेंबली का इजलास बुलाना गई कोविड और नो कोविड, अगर वो इतने संजीदा थे
तो उस वक्त हुकूमत को, जिसकी दोनों ऐवानों में दो तिहाई अक्सरियत नहीं है और जिसके लिए अपोजिशन की जरूरत है, मसलन सिर्फ कौमी असेंबली में उन्हें 50 लोग मजीद चाहिए, 52 लोग चाहिए दो तिहाई अक्सरियत तक पहुंचने के लिए, तो उसके लिए हुकूमत ने कोई कोशिश ही नहीं की। तो ये एक अजीब सर्कस है कि आप एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आप उसके लिए कोई काम नहीं करते। और जो असल है, और आई थिंक आपके नाजरीन को मालूम होना चाहिए कि 4 फरवरी को जब ये बिल ऐवान में डिस्कशन के लिए आया, उसमें ऐवान में जो अपोजिशन ने एहतजाज किया, वो किया इस बात पर था कि अपोजिशन बिल पर बात करना चाहती थी, लेकिन स्पीकर ने 3 वफाकी वुजरा से गुफ्तगू करवा दी, तवील उनकी तकरीरें हमने सुनी, लेकिन अपोजिशन को 1 घंटा एहतजाज करना पड़ा सिर्फ एक अपोजिशन रुकन की तकरीर करवाने के लिए। और फिर हुकूमत इतनी सीरियस थी, या जिसे मैं कहूंगा मजाक खेज हुकूमत का सूरत हाल थी, कि एक वफाकी वजीर ने कोरम कॉल किया, तमाम हुकूमती अरकान ऐवान से चले गए और अपोजिशन की वजह से कोरम कायम रहा कौमी असेंबली में। तो ये जो इनकी संजीदगी है, इसके ऊपर बहुत सवाल है, क्योंकि जो आईनी तरमीम का बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कौमी असेंबली में, उसमें सिर्फ ये ओपन वोट की शिक नहीं थी, उसके साथ अपने 2 वफाकी वुजरा के लिए 2 NRO की शिकें थी, दोहरी शरीयत वाली की। दोहरी शरीयत का इतलाक जो है वो इलेक्शन के बाद होगा। तो जब आप ऐसे बिलों के अंदर जहरीले टीके लगा देंगे NRO के, कि अपने बंदों को बचाया जा सके, तो हम तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और उस वक्त भी जब इन्होंने दोनों ऐवानों में कोई आउटरीच की कोशिश नहीं की कि ये कंसेंसस से ये मामला पहुंचे, हम आज भी कमिटेड हैं। और मैं आज भी ये कहता हूं कि अगर हुकूमत कोई संजीदा बिल लाती है जिसके अंदर वुजरा के NRO ना हो, तो इसके ऊपर जरूर बात हो सकती है। और अब ये जो इन्होंने एक सर्कस बना दिया है कि जी पहले कौमी असेंबली में बिल आया, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर कौमी असेंबली में आए हैं, फिर अब वहां एक ऑर्डिनेंस हो गया है, इससे एक गैर जरूरी पेचीदगियां और हुकूमत की नीयत पर बहुत गहरे कुछ बात हो गए कि ये सारा का सारा माला फीड है। ठीक है शफकत महमूद साहब, ये सवाल गुज़िश्ता 48 घंटे में बहुत दफ़ा अपोजिशन के लीडर ने दोहराया कि अगर बिल PTI लेकर आई ही थी अक्टूबर में, उस बिल को PTI ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, उसके ऊपर कोई कंसेंसस बिल्डअप नहीं किया, उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करवाई, उस पर कोई जद्दोजहद नहीं की, और फिर प्रेजिडेंशियल रेफरेंस लेके चलेगी। क्या वजह है कि बिल आपको अब से चंद दिन पहले याद आए? लेकिन पहली तो बात यह है कि जो सवाल आपने पूछा था, खुर्रम साहब ने उसका जवाब ही नहीं दिया। आपने एक अखलाकियात का मॉरल क्वेश्चन किया था, और मॉरल क्वेश्चन ये था कि आप लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी ये कहा कि ओपन बैलेट होना चाहिए, उसके बाद सेनेट की कमेटी ऑफ द होल, जिसके अंदर सारी पार्टियां सब कुछ मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि ये होना चाहिए। एहसन इकबाल का बयान मैंने देखा है TV के ऊपर कि वो कह रहा है 2019 की शायद बात है कि जी ओपन बैलेट होना चाहिए। तो अखलाकी जो क्वेश्चन है उसको तो ये पसे पुश डाल रहे हैं और प्रोसीजरल चीजों पर चल पड़े हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। भाई जो एक अखलाकी सवाल होता है वो तो उसके अंदर इन चीजों में नहीं पड़ते कि जी प्रोसीजर क्या हुआ, पहले क्यों नहीं किया। एक अच्छी चीज करने जा रहे हैं, एक ऐसी अच्छी चीज करने जा रहे हैं जिसके आप भी लोग भी हमायती थे, और अभी भी हमने जब नेशनल असेंबली में बिल मूव किया तो ये एक अच्छा बिल था। आप कहते हैं कि हाँ ये हम भी चाहते थे और अब हम इसकी हिमायत करते हैं। आपने ये नहीं किया, आपने धींगाबश्ती की, आपने वहां आके कागज फाड़े, स्पीकर को फिजिकली अटैक किया, तो क्योंकि आपका मकसद बिल पास करना या ये चीजें नहीं है। आपका मकसद था ये साबित करना कि पार्लियामेंट नहीं चल रही, और उसके लिए 20-25 लोगों ने आके वेल में खड़े होके वो शोर शराबा किया। तो आपका मकसद ही नहीं है किसी भी स्टेज पे खुर्रम साहब इसको आगे लेके चलने का या आगे चलाने का। आपका मकसद तो ये है साबित करना, क्योंकि और तो आपको रास्ता रह नहीं गया। आपकी लॉन्ग मार्च भी फेल, आपकी इस्तीफे भी नदारद, आपका दिसंबर में भी हम इधर ही, जनवरी में भी हम इधर ही, अब आप मार्च में लॉन्ग मार्च करेंगे, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, फिर आपको नई डेट दे देंगे। सो ये क्योंकि ये एक मायूसी है, बदहवासी है, तो उसकी वजह से आप प्रोसीजरल चीजों में फंस गए हैं। बात ये करें कि अखलाकी तौर पर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।